उठ के चलना बोलने से आप समझ सक रहे हो ना, मैं ऐसे झुक के चलती थी तो सिस्टर लोग बोलती थी नहीं झुक के नहीं चलना है आपको, आप खड़ा होकर चलिए, आप सीधा होकर चलिए, नहीं तो आपका कमर ऐसे ही। हेलो मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि आफ्टर मेरा सर्जरी जब हुआ था, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुआ था, उसके बाद में क्या क्या होता है मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। कुछ कुछ मतलब हम लोगों का साथ में जो नया है उन लोगों को पता नहीं होगा, अब बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन मैं अपना जो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को, हम लोगों को वहाँ से आते हैं तो ऑपरेशन थिएटर से, तो शाम को हम लोगों को होश तो आता ही नहीं है, बहुत हल्का हल्का होश आता है, आधा नींद में रहते हैं, आधा दर्द में रहते हैं, आधा होश में रहते हैं, इस तरह का पोजीशन रहता है हम लोगों को। और एक दिन पहले से हम लोगों को पानी पीना बंद किया, मतलब एक ऑपरेशन के एक दिन पहले रात से हम लोग पानी नहीं पीते हैं, तो नेक्स्ट दिन भी हम लोगों को, फिर उसके बाद का दिन में भी हम लोगों को पानी नहीं दिया जाता है, पानी हम लोग नहीं पीते हैं, मतलब हम लोगों को पानी देना एकदम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं वो लोग, हम लोग को पानी बहुत प्यास लगता है, गला सूख जाता है, पर कोई पानी नहीं देते हम लोगों को, सिर्फ ग्लूकोज चढ़ता है हम लोगों के ऊपर में सिर्फ ग्लूकोज, और दो दिन तक हम लोगों को कुछ खाना पीना नहीं मिलता है। तो जब हमको प्यास लगता था, जब मुझे मेरा गला सूखता था तो मैं पानी मांगती थी नर्स लोगों से, तो वो लोग क्या बोलते थे, नहीं पानी तो नहीं देंगे आपको, क्योंकि उस समय में एक्चुअली क्या होता है ना, जब हम लोग ऑपरेशन थिएटर से आते हैं तो हम लोगों को एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया में क्या होता है ना, हम लोगों को वहाँ से आने के बाद हम लोगों को पानी एकदम देना एकदम मना है, तो इसलिए हम लोगों को पानी देने से सिस्टर लोग मना करती है। जब भी कुछ प्यास लगता है हम लोगों को, तो हम लोगों को क्या करती थी, एक बूंद पानी ऐसे ही डाल देती थी मतलब जीभ में, ताकि प्यास बुझ जाए, लेकिन फिर भी गला के अंदर पानी ज़्यादा नहीं था, बहुत प्यास लगता था मुझे, बहुत प्यास, तो ऐसे हम लोगों को पानी देना से हम लोग मना करते थे डॉक्टर लोग, तो लोग पानी हम लोगों को नहीं देते थे। और दो दिन तो हम लोगों को खाना पीना तो बेड से उठना ही नहीं होता था, क्योंकि हम लोगों का सारा शरीर में पाइप लगा रहता था, है ना, इधर से ब्लीडिंग का पाइप, जो हम लोगों का जहाँ पर ऑपरेशन हुआ कट हुआ था वहाँ पर एक पाइप रहेगा, वहाँ से ब्लीडिंग होते रहेगा, क्योंकि अंदर में जो सिलाई उलाई हुआ रहता है शरीर के मतलब पेट के अंदर में, वो अंदर से ब्लीडिंग जो फ्लो होता है वो चीज़ बाहर निकलता है पाइप का थ्रू से, उसका एक थैले रहता है, फिर ये मतलब यूरिन के थैले रहता है, तो बहुत सारा पाइप रहता है हमारे शरीर में और ऊपर से हाथ में सब तरफ, मतलब हम लोग बेड से उठ नहीं पाते हैं, जितना बार बोलती थी उतना बार पानी का एक ड्रॉप देते थे, क्योंकि बोलते हैं कि जब एनेस्थीसिया का जब तक हम लोगों के ऊपर में जो असर रहता है वो देने के बाद में, अगर हम लोग को पानी मिल जाएगा, अगर पानी दे भी देंगे एक दो घोट ना, तो अगर गला में जाएगा तो उसमें हम लोगों को वॉमिटिंग भी हो सकता है, उल्टी हो सकता है, तो वह सब उसके चलते में अगर हम लोगों को उल्टीपन लगेगा, कुछ भी लगेगा, तो उसके बाद जानते हैं ना, उल्टी लगने से हम लोगों का बॉडी स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच होने से हम लोगों का जो स्टिच किया हुआ है उसमें थोड़ा आपको पेन होगा, प्लस उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हम लोगों को पानी देने से एकदम इनकार कर देते हैं, पानी नहीं देते हैं। ऐसे भी हम लोगों को वहाँ जब ऑपरेशन थिएटर में पता नहीं कितना डिग्री रहता है ठंडा, वहाँ पर इतना ठंडा रहता है कि वहाँ से आने के बाद में दो दिन के बाद में सिर्फ खांसी होता है, और उसमें खांसी हो गई सभी को होता है, पता नहीं कैसे ठंडा से हो जाता है पता नहीं, लेकिन इतना खांसी होता है कि आपको खांसी लगता है आप खांस नहीं पाते हो करते रहे ओके, लेकिन आपको जितना भी खांसने का दिल करेगा, क्योंकि आपका बॉडी जो है जब खांसने से पूरा बॉडी स्ट्रेच होता है उसमें यहाँ पेन होता है, और खांसी होना ही मतलब मस्ट है, वो हो गई पता नहीं कैसे, ठंडा से हम लोग आते हैं, फिर वहाँ का ठंडा अलग रहता है, फिर हम लोग जो जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जो रूम में हम लोगों को रखा जाता है वहाँ का ठंडा टेम्परेचर अलग रहता है, लेकिन ठंडा आपको गला में लग जाता है, खांसी इतना खांसी होता है वो चीज़ जाते ही नहीं है, मतलब उसके चलते हम लोगों का पेन और भी दर्द करता है, मतलब खांस नहीं सकते हैं, मतलब ऐसे हाथ रख के भी खांसने में मतलब बहुत दिक्कत होता है, तो ये सब होता है आफ्टर सर्जरी फ्रेंड्स, जो आप लोगों को पता नहीं होगा, और जिसका हुआ है उसको पता होगा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ कि आफ्टर सर्जरी में हम लोगों को पानी पीना नहीं मिलता है, दो दिन तक खाना नहीं मिलता है, और हम लोगों को खांसी सब होता है, उसके बाद में धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग डायलिसिस के समय में तो पानी नहीं पी पाते थे, तो मैं सोचते थे कि मैं पानी पीऊँगी आफ्टर ट्रांसप्लांट, लेकिन सर्जरी के बाद में हम लोग को पानी नहीं दिया जाता था, पानी एकदम मना कर दिया था, दो दिन हम लोगों को पानी एकदम नहीं दिए थे, उसके बाद से धीरे 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 लिक्विड जैसे खाना मिलता था खाने के लिए, लिक्विड खाना दो दिन के बाद से खाना उना स्टार्ट कर दिए, उसके बाद में ग्लूकोज भी निकाल दिए, ग्लूकोज भी हम लोगों को शरीर में नहीं डालते थे, और उसके बाद मुझे सुबह से लेकर शाम तक सिस्टर लोग सिर्फ पानी पिलाती थी, मतलब 12-13 बोतल का लीटर का पानी पूरा पिलाती थी हम लोगों को, 12-13 15 बोतल से पानी पिलाती थी हम लोग, मतलब इतना पानी सुबह से शाम तक,
मतलब एक एक आधा आधा घंटे में पानी पियो, आधा घंटे में पानी पियो, आधा घंटे में पानी पियो, मतलब ग्लूकोज हट जाने के बाद। और उसके बाद में बोलते हैं दो दिन के बाद में जब हमारा सब पाइप वाइप निकल जाता है अपने शरीर से, और उसके बाद में बोलते हैं पानी तो आपको पीना ही है 15-16 लीटर पूरा दिन भर में लोग देते ही हैं पीने के लिए आपको, और उसके बाद में आपको उठ के चलना होगा। मतलब इतना, मतलब उठ के चलना बोलने से आप समझ सकते हो ना, मैं ऐसे झुक के चलती थी तो सिस्टर लोग बोलती थी नहीं झुक के नहीं चलना है आपको, आप खड़ा होकर चलिए, आप सीधा होकर चलिए, नहीं तो आपका कमर ऐसे ही झुक जाएगा। मतलब सर्जरी के बाद में 3-4 दिन जो इतना टफ समय रहता है हम लोगों का कि मतलब इतना मतलब दर्द, और ऊपर से हम लोगों को चलना पड़ता है कि हम लोगों को चलाएगी वो लोग, मतलब बिना लोग आके डांटती है, लेकिन सोए रहने से बैठे रहने से डांटती है नहीं, आपको चलना होगा सुबह और शाम आपको चलना होगा। तो इसी करते करते 2-3 दिन हम मुझे 2 दिन के बाद से मुझे चलना धीरे 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 मुझे स्टार्ट किए वो लोग। और मैं स्टार्टिंग में तो बहुत दर्द से चलती थी आस्ते आस्ते झुक झुक के, पर 2-3 दिन के बाद में मैं थोड़ा स्ट्रेट होकर चलने लगी। तो उसके बाद में फिर 5-6 दिन के बाद में मेरा मुझे डिस्चार्ज कर दिया थे। तो यही था मेरा सर्जरी के बाद फ्रेंड्स, जो जो कष्ट मैंने झेला उस समय में, एक पानी का कष्ट भी झेला है और प्लस खांसी का है ना, और मैंने अच्छा हुआ मुझे उल्टी नहीं हुआ, नहीं तो और भी बहुत ही प्रॉब्लम होती, और फिर दर्द का और फिर थोड़ा चलने का। उसके बाद 5-6 दिन के बाद में जो कष्ट हम लोग झेलते हैं उसके बाद में आपको ज़िंदगी भर आराम, और उसके बाद में आपका लाइफ पूरा हंसी खुशी आप अब जियेंगे आफ्टर ट्रांसफर। तो यही रहा, इसलिए डरना नहीं है आप लोगों को सर्जरी के बाद, जो भी आता है उसको आपको फेस करना है, क्योंकि इतना बड़ा सर्जरी से हम लोग जब गुजर चुके हैं तो ये दर्द के लिए भी हम लोग थोड़ा सह लेंगे, है ना। तो इसलिए कोई भी सर्जरी के नाम से मत डरिए, कोई भी ट्रांसप्लांट मतलब खुशी खुशी ट्रांसप्लांट कीजिए, ताकि आप इतना सोचिए कि 4-5 दिन जो कष्ट हम लोग झेलेंगे उसके बाद में फिर हम लोग का ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी, एकदम हम लोगों का लाइफ नॉर्मल हो जाएगा, और हम लोग एकदम नॉर्मल लाइफ के जैसे जियेंगे, और फिर हम लोग का ज़िंदगी भी पूरा खुशहाल हो जाएगा और खुश रहेंगे सभी लोग, है ना। बस थोड़ा सा दर्द झेलना पड़ता है आफ्टर ट्रांसप्लांट। बस यही रहा फ्रेंड्स मेरा सर्जरी के बाद का जो मेरा एक्सपीरियंस था, आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ। तो इतना ही इस वीडियो में फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।